हम इसे पता करेंगे कि हमारा किस किस ऑपरेटर से था, कैसे उनको सिम मिला और उन्होंने कैसे उनको इशू किया, उस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हैं और इनका सिम हमें पता चला था, वो हम लोग ने भी कुछ इनपुट उनको दिया था, तो शायद उससे रिलेटेड है या नहीं है, और किनका किनका सिम था, किस ऑपरेटर का था, तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ आए थे। सर अभी क्या होगा, आप ये सब देख के गए, अभी सिम बॉक्स देख के गए? हाँ सर, अब क्या करेंगे आप? हम इसे पता करेंगे कि हमारा किस किस ऑपरेटर से था, कैसे उनको सिम मिला और उन्होंने कैसे उनको इशू किया, उस पर हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। सर वो ऑपरेटर के ऊपर कार्रवाई करेंगे? हाँ, जिस ऑपरेटर से सिम इशू हुआ है उनसे हम पूछेंगे कि भाई आपने ये इतने इतने सारे सिम जो है कैसे कैसे आपने बांटा था, किस पॉस के थ्रू बांटा था, पॉइंट ऑफ सेल कौन था, क्या था, वो हम लोग भी कोशिश करेंगे पता करने का। अब आप आए थे, सिम बॉक्स देखे? हाँ, सिम बॉक्स तो सील्ड है वो। अच्छा, सिम बॉक्स सील्ड है। अच्छा। और उसमें वो चूँकि सभी अपना ऑफिसर्स का उसका सिग्नेचर्स है तो उसको तो वो लोग खोले नहीं है। अच्छा। और वो तो चूँकि कोर्ट में खुलेगा तो उस तो नहीं देखे, लेकिन सिम बॉक्स हर सिम एक ही जैसा होता है ना। अभी ये जो आप यहाँ आए हैं, अभी क्या क्या देखा और क्या क्या पूछा हम लोगों से, क्या 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 हमने नहीं हमने ये पूछा कि आपका आप कितने सारे सिम बॉक्स थे और कहाँ कहाँ थे और कितने सिम मिले हैं, वो जानकारी बाकी डिटेल्स वो दे देंगे आपको। कौन कौन से सिम मिला है, क्या कौन कौन सा कंपनी का सिम, वो आप ये डिटेल्स आप उनसे ले लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसको। हाँ टेलीकम्युनिकेशन तो हाँ नहीं ठीक है, आप जाँच पड़ताल करके अभी जा रहे हैं? जाँच पड़ताल करके नहीं, हमें नंबर भी भेजेंगे, अभी उनसे मांगा है। अच्छा। अभी हमको कुछ दिए नहीं, हमको मेल भेजेंगे वो। अच्छा। क्योंकि काफ़ी लंबा डिटेल्स है। अच्छा। तो वो बोले हैं कि हम आपका पूरा जो है ना वो नंबर जितने हैं वो नंबर का काफ़ी सारे नंबर है, वो हम जब डिटेल भेजेंगे तब पता चलेगा किस ऑपरेटर कितना है। एक सिम लेने पर हाँ हम लोगों का वेरिफिकेशन होता है। हाँ, जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो हाँ चेक होता है। हाँ हाँ, इतने सारे सिम हाँ कहाँ से ली गई है, कौन सी कंपनी वही वही सिम प्रोवाइड कर रहा है, वही 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 हम भी जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमको बोले हैं कि जितना आपको मिला है सिम उसका डिटेल जो है ना वो पहले उनको भी, सिम तो जैसा एक रहता है ना तो पता नहीं चलता है ना कि क्या है नहीं है, तो वो सब ऑपरेटर से पहले उसका नंबर मांग रहे हैं, वो नंबर मांगेंगे, क्योंकि सिम में तो नंबर लिखा नहीं रहता है, मोबाइल नंबर, तो वो मांगेंगे सबसे, उसके बाद हमको एक लिस्ट भेजेंगे, डिटेल भेजेंगे, तो वो अपने अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे कि ये सिम जो है इस ऑपरेटर का है, तो कैसे दिया, क्या दिया, वो हम लोग भी खोजेंगे, तो हमें उनको लिस्ट भेजना है, वही हमारी बात हुई उनसे। अगर कोई कोई ऑपरेटर से आपको मिलता है कि वो बिना डॉक्यूमेंट लेके सिम इतना इतना सिम, पेनाल्टी लगती है उनकी। अच्छा। वो ऑपरेटर के पेनाल्टी लगती है। अच्छा। और काफ़ी हेफ्टी पेनाल्टी है। अच्छा। हाँ हाँ, तो किन किन ऑपरेटर के बात आप तो बात करके आए होंगे, तो वो हाँ तो वो बताएंगे हमको, चार ऑपरेटर हमारे हैं। अच्छा। तो वो अभी पूरे लिस्ट को बना रहे हैं और अभी सभी ऑपरेटर जो भी हैं उनको भेजेंगे, और हमने वो हमें दो तीन दिन के अंदर या चार मतलब हो सकता है एक सप्ताह लग जाए, पूरा हमें डिटेल भेजेंगे वो, तभी हम आपको कुछ बता पाएंगे, और सभी सील्ड है भी है, कुछ भी खुला हुआ नहीं है अभी। सर ये सिम बॉक्स में ये जो सिम डालकर हाँ आतंकी लिंक का बात अभी सामने आ रहा है, तो ये तो पुलिस बताएंगे वो। अच्छा। हमें तो हमें डिपार्टमेंट टेलीकॉम का ये है कि वो जो सिम्स जो हुआ है, इतने सारे सिम कैसे इनके पास गए वो हम पता कर सकते हैं, उसके पीछे प्रॉपर डॉक्यूमेंट था कि नहीं था, मतलब जो है जो एक्विजिशन के लिए जो होता है कैफ फॉर्म होता है वो पूरा भरा हुआ था कि नहीं था, हमारे इनके लोगों ने चेक किया कि नहीं किया, वो सब हमारा पार्ट होता है, वो हम देख लेंगे, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर वाला पार्ट जो है ना उनके पास है। सर वो राजू मंडल जो उनके बारे में हमें नहीं पता है यार, क्योंकि आप उसे पूछताछ करेंगे, वो हमारा पार्ट नहीं है ना, हम तो TSP से पूछेंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है, तो हमारे ये हमारा अगर पूरा नंबर मिल जाएंगे तो हम TSP से पूछेंगे कि किसके किसके नाम पर इशू हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन शहर से हुआ है, कौन कौन पॉइंट ऑफ सेल है, वो किसने दिया है, और वो पूरा मैंने इशू ऑफ द सिम हमारा पार्ट है, और कौन कैसे यूज कर रहा है, और उसका अगर लॉ अगर गवर्नमेंट का वायलेट हो रहे हैं तो लॉ ऑर्डर का काम वो करेंगे ना, वो क्या करेंगे वो जो ऑपरेटर है हाँ उस पर हम एक्शन लेंगे ना, हम क्या एक्शन लेंगे, अगर वो इलीगलिटी पाया जाता तो उसके अगेंस्ट में प्रावधान है पेनाल्टी लगाने का, वो हम लगाएंगे, उनको हमारा स्ट्रिक्ट जो है सो मैसेज जाएगा कि आप फ्यूचर में विजिलेंट हो जाए, उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। अगर वो सिम से पाकिस्तान या बांग्लादेश या चीन
किसी को कुछ कांटेक्ट किया होगा या बातचीत होती होगी, तो उस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? तो खाली पेनल्टी लगा के छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान अगर बात हुई है कुछ है तो वो प्रोविजंस है वो हम लोग देखेंगे ना, फिर उसके तहत तो उनके पे कार्रवाई होगी। पेनल्टी कितना लगेगा? एक प्रिपेयर पाया जाता तो 50,000 रुपया है उस पर है पर सिम पर कैफ है। हाँ अभी तो लगभग 1,000 हाँ तो उतना हाँ तो सब उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए। वही करें कि जब तक हम इसको अच्छी तरह से हम जान न ले कि कहाँ से सिम आ रहा है कैसे आ रहा है, तो उसमें कुछ भी बोलना जल्दीबाजी हो जाएगी। नहीं सर, अगर वेस्ट बंगाल का सिम यहाँ आ रहा होगा या आपका चार्ज है, आप खाली पेनल्टी करेंगे? देखिए सिम लेकर के कोई कहीं भी जा सकता है, आप जैसे यहाँ पर है आप यहाँ से तमिलनाडु जा सकते हैं। तो ये तो एक ही सिम है ना, ये तो हजार का सिम, हजार साल सिम है, सिम आ रहा है। हाँ वही कह रहे हैं कि इसलिए हमें मैं ये जांच की विषय है कि इतने सारे सिम किस जगह से इशू हुए हैं, मतलब ये पार्टिकुलर कोई जगह से है वो हमें जांच करने की चीज़ है ना। तो पहले तो हमें नंबर तो मिले, तब तो हम पता करेंगे ना कि सिम कहाँ से इशू हुए हैं। तो वही तो हम आपको बताएंगे कि पॉइंट ऑफ सेल कहाँ है, पार्टिकुलर की लोकेशन है, वेस्ट बंगाल का है, उड़ीसा का है, या उत्तर प्रदेश का है, या मध्य प्रदेश का है, कहाँ का है, वो हमें पता चले। और फिर उसको ऑपरेटर को हम बोलेंगे कि आपने ये सिम्स कैसे इतने सारे दे दिए, उसका फर्दर कार्रवाई हमारी डिपार्टमेंट को वो करेगी, पुलिस भी विभाग अपना अपना कार्रवाई करेगी वो। ओके थैंक यू। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।